गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम शेडिंग के बारे में बात करेंगे। शेडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है अपने स्केच को रियलिस्टिक बताने में। अब आपको अपने पेपर के ऊपर शेड करना है। आपको पूरा स्केच शेडिंग से ही कंप्लीट करना है। जहाँ पे डार्क एरिया होगा वहाँ पे आपको डार्क पेंसिल्स का यूज़ करना है। बिल्कुल भी प्रेशर का यूज नहीं करना है, हल्के हाथ से ही करना है। अब हम 4B पेंसिल का यूज करेंगे। आपको एकदम से डार्क नहीं करना है, लाइट से डार्क तक जाना है। पहले आपको लाइट शेडिंग करनी है, फिर उसमें डार्क शेडिंग करनी है। अब हम 6B पेंसिल का यूज करेंगे। आपको ऐसे ही शेडिंग करते रहनी है, इससे रियलिस्टिक लुक ज़्यादा आएगा। इसमें हाईलाइट करते हैं, कैसे मस्त हाईलाइट हो रहा है इससे। अब मैं आपको पूरा डार्क करके दिखाती हूँ, देखते हैं हाईलाइट होती है या नहीं। अच्छी हाईलाइट बिल्कुल भी नहीं हो रही इससे, इसलिए हमको लाइट से डार्क तक जाना है। पहले लाइट सेटिंग करें, फिर उस पर डार्क। ये 3S पेंसिल से मैं शेडिंग कर रही हूँ। बी ग्रेड से नीचे की सभी पेंसिल एकदम लाइट हो रही है। अब 6B पेंसिल। ज़्यादा डार्क करना हो हेयर में, कहीं जगह फुल डार्क हो, तभी आप 6B 10B का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ हाईलाइट नहीं करनी होती है, इसलिए 10B पेंसिल। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हेयर में कैसे शेडिंग होती है और उसमें हाईलाइट कैसे होती है। 6B पेंसिल से हम हेयर ड्रॉ करेंगे। इसमें हाईलाइट करते हैं, इसमें बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं हो रही है। अब हम लाइट से डार्क शेडिंग करेंगे। पहले हम लाइट पेंसिल का यूज करेंगे। फिर इसके बाद इससे ज्यादा डार्क पेंसिल का यूज करेंगे।
अब हम इसके ऊपर 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे। अब इसमें हाईलाइट करते हैं, इसमें हाईलाइट हो रही है, अच्छे से हाईलाइट हो रही है, इसमें हाईलाइट हो रही है, इसमें नहीं हो रही थी। ये 6B पेंसिल है, इसमें हमने फुल डार्क लाइट पेंसिल अच्छे से हाईलाइट हो रही है, इसलिए हमें डार्क पेंसिल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, लाइट पेंसिल से डार्क पेंसिल तक जाना है। इससे आपका स्केच का लुक एकदम रियलिस्टिक लगेगा। मैं आपको चारकोल से शेडिंग करके दिखाती हूँ, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। पहले हम हार्ड का यूज़ करेंगे, ये एकदम लाइट होती है। अब हम मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे। अब हम सॉफ्ट वाली चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क होती है। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से एकदम रियलिस्टिक लुक आता है। अब हम इसमें हाईलाइट करते हैं, इसमें हाईलाइट अच्छे से हो रहा है। अगर आपके पास ये एक ही अवेलेबल है तो आप इससे भी लाइट शेडिंग कर सकते हैं। इसको एकदम हल्के हाथ से पकड़कर शेडिंग करिए, जहाँ डार्क एरिया है वहाँ आपको इसमें प्रेशर का यूज़ करना है। आप एक ही पेंसिल से लाइट से डार्क शेडिंग कर सकते हैं। इसमें लाइट से डार्क शेडिंग हो रही है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।